हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 2 मार्च 2022 दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टूडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग से भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ी। पहली बार भारत के गेहूं के लिए इतनी इंक्वायरी आई। फर्स्ट हाफ में 40 लाख टन को पार कर सकता है एक्सपोर्ट। और इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन संकट के चलते गेहूं की कीमतें 14 साल के सबसे उच्च लेवल पर भी चली गई है। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, सनफ्लावर की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला, क्योंकि भारत दोस्तों दुनिया भर के सबसे ज्यादा गेहूं के भंडारण वाले देशों में से एक है। वहीं देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में दिख रही तिरंगे की ताकत। स्वदेश लौट रहे छात्र बोले कि अगर झंडा न होता तो हम लोग न निकल पाते। रूस पर नई डिजिटल स्ट्राइक। RT और स्पूतनिक यूट्यूब चैनल को यूरोप में ब्लॉक करेगा गूगल। विज्ञापन पर पहले ही लगा दी है रोक। यूक्रेन संकट के बीच राष्ट्रपति कोविंद से मिले पीएम मोदी। भारतीय छात्रों की निकासी पर हुई चर्चा। बड़ी दुख की बात है, यूक्रेन में कल ही भारतीय छात्र की मौत हो गई। पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की और नागरिकों की वापसी पर चर्चा की। दरअसल कल ही यूक्रेन में खारकीव में राशन लेने गए भारतीय छात्र की बमबारी से मौत हो गई। दोस्तों ने कहा कि रूसी सेना ने उसको गोली मारी। कर्नाटक के रहने वाले हैं। मृतक का नाम नवीन बताया जा रहा है। इस छात्र के पिता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और संवेदनाएं व्यक्त की। वह देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI का सख्त फैसला। रूस की प्रतिबंधित कंपनियों से नहीं करेगा लेन देन। रूस यूक्रेन की लड़ाई का असर SBI के कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। अब जो कंपनियां रूस की बैन हो चुकी हैं, उन प्रतिबंधित कंपनियों के लेन देन को प्रोसेस नहीं करेगा SBI। देशों के आधार पर नियमों का पालन करेगा बैंक। वह देखिए, यूरोपीय यूनियन में यूक्रेनी प्रेसिडेंट बोले तो ट्रांसलेटर रो पड़ा। जेलेंस्की ने कहा कि ये हमारे वजूद की जंग है, हमारे भी बच्चों को जीने का हक है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, 5वीं बार 1.30 लाख करोड़ के पार पहुंचा GST कलेक्शन। फरवरी में 1.33 लाख करोड़ रहा और एक साल पहले की तुलना में 18% बढ़ा। फरवरी के महीने में ऑटो सेल्स में भी बढ़ोतरी दिखी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 1.95% की कमी आई, हालांकि मारुति कार की सेल्स में बढ़ोतरी हुई। वही देखिए दोस्तों, ऑपरेशन गंगा मिशन लाइव चल रहा है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए 3 दिन में 26 फ्लाइट जाएंगी। सुबह 4 बजे वायुसेना का ग्लोब मास्टर रोमानिया की उड़ान भरेगा। अच्छा वही देखिए, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए 17 मामले होंगे वापस। दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। कल ही महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश में महाकाल में दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। MP उज्जैन में अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़कर 10 मिनट में 14,000 लोगों ने जलाए 11.71 लाख दिए। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कल ही मध्य प्रदेश उज्जैन में 21 लाख दीपक एक साथ जलाने का महाशिवरात्रि पर रिकॉर्ड तोड़ा गया। अच्छा वही देखिए दोस्तों, अंदर से ऐसी है 351 फीट ऊंची शिव प्रतिमा। ये विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जो कि राजस्थान राज्य में है। इकलौती भगवान की प्रतिमा जिसके अंदर 4 लिफ्ट, 3 सीढ़ियां और 400 लोगों के बैठने के लिए हॉल भी है। इतनी बड़ी मूर्ति देखिए जरा आप, जिसके अंदर इतना स्पेस है और जो कि दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है राजस्थान में। अमेजिंग राइट। वह देखिए, मध्य प्रदेश में यहाँ शयन के लिए आते हैं शिव, ऐसा माना जाता है। ओंकारेश्वर की भव्यता की कुछ तस्वीरें ड्रोन से आप देख सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, यूक्रेन के लोगों को मिलेगी फ्री कॉलिंग। वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया समेत 14 टेलीकॉम कंपनियों ने फ्री कॉलिंग का ऐलान किया। रोमिंग का चार्ज भी नहीं लगेगा। यूक्रेन में संकट में फंसे लोगों को देखते हुए वाकई में भारतीय टेलीकॉम कंपनियां और दुनिया की कई दूसरी टेलीकॉम कंपनियों ने भी लोगों की मदद के लिए आगे आई और कहा कि रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब यूक्रेन के लोगों को मोबाइल फोन पर बातचीत करने के लिए किसी भी तरह का रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनका रिचार्ज प्लान खत्म भी हो गया तो भी वो रोमिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय कॉल भी बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। वही देखिए, रूस यूक्रेन वार के बीच गूगल पे और एप्पल पे का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे रूसी बैंक। रूसी बैंक के ग्राहकों के द्वारा गूगल पे और एप्पल पे के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। देखिए, भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने रूस यूक्रेन से मांगी मदद। अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट से होगी वतन वापसी। युद्ध स्तर पर होगी भारतीयों की वतन वापसी। खोला जा सकता है यूक्रेन और रूस का खारकीव बेलगोरोड बॉर्डर। दोनों देशों के संपर्क में है सरकार। वह देखिए, भारत में अत्यधिक धनी लोगों की संख्या साल 2021 में 11% बढ़ी है। ये हालिया में अमीर लोगों की एक सर्वे की रिसर्च रिपोर्ट आई, उसमें इस बात का पता चला कि पिछले साल भारत में धनी लोगों की संख्या में 11% की बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद देखिए, अरबपति लोगों के मामलों में भारत दुनिया में 3rd नंबर पर आ चुका है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वालों की संख्या भी बढ़ी है भारत में, जो कि एक अच्छी बात है। वह देखिए, हवाई सफर अब आपका फिर से होगा महंगा। जेट फ्यूल के दाम में 3.3% की फिर से बढ़ोतरी देखी गई और ये इस साल 2022-22 में अब तक 5 बार हवाई जहाज का ईंधन महंगा हो चुका है। तो अब तो जाहिर सी बात है, आपकी हवाई यात्रा का टिकट किराया भी महंगा ही होगा। देखिए, यूक्रेन संकट पर वहां के हमारे भारतीय दूतावास ने एक नई एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास बोले तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से कहा गया कि आज ही क्यू को छोड़ दें भारतीय। कैसे भी निकले आप, ट्रेन से, बस से, जो भी साधन आपको मिलता है, तुरंत क्यू शहर को तुरंत छोड़ दें। यूक्रेन
यूक्रेन में, क्योंकि अभी रूस बहुत ज्यादा हमले कर रहा है क्यू पर। अच्छा वही देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला के बेटे का 26 साल की उम्र में निधन हो गया। इनके बेटे को जन्म से ही एक सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी थी। शुरुआत में तो जन्म ही इनका 5 महीने में हो गया। ये प्री मेच्योर डिलीवरी में हुए थे। पैदा हुए तब भी इनका वजन 1.3 केजी ही था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वही देखिए हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, 7% तक बड़ा महंगाई भत्ता। दरअसल हरियाणा में 6ठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे सरकारी कर्मचारियों और 5वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन ले रहे पूर्व कर्मचारियों को बजट से पहले राज्य सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। हरियाणा राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए बोले तो डेयरनेस अलाउंस 7% तक बढ़ा दिया है और इसी तरह से रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 5-6% का इजाफा किया गया यानी कि 56। वह देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब ने रूसी मीडिया को भी ब्लॉक कर दिया। यूरोप में नहीं दिखेंगे आरटी और स्पूतनिक न्यूज। रूस पर एक और नई डिजिटल स्ट्राइक भी देखने को मिली। आरटी स्पूतनिक यूट्यूब चैनल को यूरोप में ब्लॉक करेगा। साथ ही देखिए दोस्तों, यूक्रेन में भी भारत का दुश्मन बन रहा पाकिस्तान, क्योंकि देखिए आप वहां के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हरकतें, भारतीयों का सामान लूट रहे हैं और फायरिंग के डर से बॉर्डर तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा वही देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही मार्च की पहली तारीख से कल से ही दूध की रेटें भी बढ़ी थी और इसके साथ गैस सिलेंडर के दाम भी महंगे हो गए। इस मार्च के महीने में 3 बड़े बदलाव हुए हैं, दूध और गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है, LVB का DBS बैंक में विलय होने के बाद अब आप लक्ष्मी विलास बैंक के पुराने IFSC कोड से लेन देन नहीं कर पाएंगे। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है और उसके बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 2000 रुपए के पार पहुंच चुका है। और भी अलग अलग शहरों में क्या प्राइस है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूध महंगाई की बात करें तो अमूल डेयरी का दूध और पराग डेयरी का दूध दोनों ही दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए मार्च के महीने से ही, पहली तारीख से, है ना। तो ये महंगाई को लेकर आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। चलिए वही देखिए बड़ी खबर, ग्लोबल व्हीकल्स मार्केट पर भी बुरा असर पड़ रहा है रूस यूक्रेन युद्ध का। कार बनाने वाली कई सारी कंपनियां जो है रूस से प्रोडक्शन प्लांट को शिफ्ट करने का प्लान भी बना रही है। अच्छा भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात देखिए, शूटिंग वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी को गोल्ड अवार्ड मिला। मिस्र में चल रही वर्ल्ड कप में सौरभ ने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जर्मनी के शूटर को हराकर भारत की जीत दर्ज कराई है और सौरभ का वर्ल्ड कप में साल का पहला गोल्ड भी मिला है। टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 19 साल के सौरभ चौधरी ने साल के पहले वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि हमारे भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात है, राइट। अच्छा वही देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर आई है, अब आप इतने लाख रुपए तक की सर्जरी बिल्कुल फ्री में करा पाएंगे। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है और अब सर्जरी का विकल्प भी आपको 5 लाख रुपए तक के इलाज में शामिल होगा। यानी कि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन भी होता ना, हार्ट का ऑपरेशन, लीवर किडनी का ऑपरेशन, तब भी अगर 5 लाख रुपए तक का इलाज का अंदर का जो पैसा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को। आयुष्मान भारत नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लाभार्थी अब उन मेडिकल प्रोसीजर का विकल्प भी चुन सकेंगे जो कि हेल्थ पैकेज का हिस्सा नहीं है। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के गवर्निंग पैनल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 लाख रुपए तक के अनस्पेसिफाइड सर्जिकल पैकेज के तहत बुक की जाने वाली प्रक्रियाओं को भी तय करने और मंजूरी देने की छूट दी है, है ना। तो ये सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला है। वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कल ही कि गर्भावस्था के दौरान माता पिता के साथ रहना तलाक का कारण नहीं हो सकता है। दरअसल एक ऐसे मामले में 22 साल के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी जो कि गर्भावस्था के समय के दौरान मतलब प्रेगनेंसी टाइम में उसके पीहर रह रही थी, गाँव रह रही थी, ठीक है ना। लेकिन पति इस बात को नहीं मान रहा था, जिद कर रहा था कि वापस ससुराल आके रहे और मामला कोर्ट कचहरी से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान माता पिता के साथ रहना तलाक का कारण नहीं हो सकता और इस कारण के आधार पर पति पत्नी को तलाक नहीं दिया जा सकता है। और अब पति भी इस कारण के चलते दूसरी शादी कर चुका है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पत्नी के पक्ष में सुनाते हुए कहा कि वह पूर्व पत्नी को 20 लाख रुपए का मुआवजा अदा करें ताकि पूर्व पत्नी अपने घर खर्चे और बच्चे बच्ची की परवरिश का खर्च निकाल सके, है ना। अच्छा वही देखिए दोस्तों, यूक्रेन के हालातों पर एक लड़की का रोते हुए वीडियो आ रहा। गरिमा के वीडियो के बाद लोगों को गुस्सा आ गया। यूक्रेन में फंसे लोग लखनऊ में बने कंट्रोल रूम में फोन कर मदद मांग रहे हैं और इनके परिवार वाले भी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के अभी भी 1242 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और बड़ा ही इमोशनल वीडियो इनका सोशल मीडिया पर डाला। हालांकि भारत सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है भारतीयों को वापस यूक्रेन से बचाकर इंडिया लाने के लिए। बाकी देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको आज के ताजा मौसम समाचार बता देता हूं। देखिए राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। बूंदाबांदी बरसात के साथ गिरेगा पारा। कई शहरों में अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा तापमान।
मध्य प्रदेश में भी इस बार कम तपेगा मार्च। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में बारिश के आसार। एक बार फिर से मौसम में हल्की ठंडक। छत्तीसगढ़ राज्य में भी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। बिलासपुर, रायगढ़ समेत 6 जिलों में गरज चमक का अलर्ट। कहीं कहीं हो सकती है बरसात। संपूर्ण भारत का आज 2 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है और अगले 2-3 दिन के दौरान हिमालय में बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। और आज 2 मार्च को उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और कल 3 मार्च को पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है। ओके, और मौसम समाचार के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 8013 नए मामले देखे गए, 119 लोगों की मौत हुई, 16,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए यानी कि ठीक भी हुए और देश में अब कोरोना के मामले घट रहे हैं, बड़ी राहत की बात है। और इसी बीच देखिए वैज्ञानिकों की एक नई खोज, नीम से होगा कोरोना का इलाज। जो नीम होता ना, कड़वा नीम, उससे वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में ये दावा किया गया कि नीम की छाल फेफड़ों में संक्रमण को रोकने में मददगार साबित हुई है, इससे बनेगी एंटीवायरल दवा। भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मिलकर नीम पर रिसर्च की और इससे अब कोरोना की एंटीबॉडी बनाई जाएगी। वह देखिए, राजस्थान में कोरोना के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, टीका लगाओ इनाम पाओ। साइकिल, स्मार्ट वॉच और कई तरह के इनाम वैक्सीन लगाने पर आपको मिलेंगे। राजस्थान में जोधपुर CMHO की तरफ से ये अनोखी पहल शुरू की गई है। लकी ड्रा के तहत ये अलग अलग तरह के ऑफर आपको मिलेंगे। 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 2 चरण में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा। वह देखिए दोस्तों, अब बच्चों की बारी। 12 से 15 साल आयु वाले बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। गुजरात राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका जहां गुजरात सूरत में कोर्बोवैक्स की 3.5 लाख डोज पहुंचा दी गई है, जो कि छोटे बच्चों के लिए 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन की डोज है। 3.5 लाख समथिंग डोज पहुंच चुकी है सूरत और उम्मीद है कि बहुत जल्द टीकाकरण शुरू हो पाएगा। हालांकि देखिए दोस्तों, हांगकांग शहर में अभी भी कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा है। हांगकांग जो कि चाइनीज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, एक तरह से चाइना का ही एरिया है, यहां पर अभी भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। सब रखने के लिए भी जगह कम पड़ रही है, वापस लॉकडाउन लग सकता है। भारत में भले ही कोरोना के मामले कम होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी से अभी भी हांगकांग में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से देखिए आप। JEE मेंस 2022 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 16 अप्रैल से आयोजित होगी पहले सत्र की परीक्षा। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में 10वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था बिल्कुल खत्म होने जा रही है। सभी स्कूलों पर लागू होगा यह आदेश। दिल्ली में 10वीं 12वीं के छात्रों को एक और बड़ी छूट दी गई है कि अब स्कूल आने के लिए परिजनों की अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। कम हो रहे कोरोना मामलों को देखते हुए छात्रों की पढ़ाई के नुकसान को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला शुरू किया है। अच्छा, वहीं देखिए, राजस्थान में रीट एग्जाम को लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी तब तक लीक होते रहेंगे पेपर, चाहे मृत्युदंड का प्रावधान ही क्यों न हो जाए। इनका कहना है दोस्तों कि सरकार को बेरोजगारी पर जोर देना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, रीट लेवल 1 की अप्रैल में पोस्टिंग होगी। नॉन TSP में 11,940 और TSP में 3,610 अभ्यर्थियों का होगा सिलेक्शन। रीट एग्जाम पर शिक्षा मंत्री का भी कहना कि इसी साल देंगे 62,000 नियुक्ति। रीट रद्द करने पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जनता में परीक्षा कैंसिल कराने को लेकर माहौल बन गया था। वह देखिए, छत्तीसगढ़ के बोर्ड एग्जाम आज 2 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। 12वीं की परीक्षाएं बिना स्कूल यूनिफॉर्म के भी एग्जाम दे सकेंगे छात्र। अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सैटेलाइट इमेज में ये पता चल रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 27 किलोमीटर दूर रह गई है रूसी सेना। 64 किलोमीटर लंबे काफिले में टैंक और गाड़ियां भी शामिल हैं, ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यूक्रेन पर हमले को 6 दिन लगातार हो चुके हैं। आज यूक्रेन हमले पर 7वां दिन है रूस की तरफ से। और देखिए, 6ठे दिन में खार्कीव पर रूस के एयर स्ट्राइक में 13 लोगों की जान जाने की खबर है। टीवी टावर पर मिसाइल हमला किया, जेलेंस्की बोले कि EU साबित करे कि वो हमारे साथ हैं। ये कुछ तस्वीरें और फुटेज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, नशे की लत से जूझता पंजाब। वैज्ञानिकों की स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ कि पंजाब राज्य में हर 7वां व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करता है, बड़ी ही चिंताजनक बात है। देखिए, यूक्रेन पर गिरा रूस का फादर ऑफ ऑल बम, तो भारी तबाही होगी। अमेरिकी बम से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर है ये। वही एक सवाल कि क्या रूस से डरता है इसराइल। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने इसराइली PM से 5 बार बात की, लेकिन यहूदियों की हिमायती ने यूक्रेन देश की मदद नहीं की और इसीलिए ऐसा सवाल लगाया जा रहा है कि रूस से डरता है इसराइल। अच्छा, रूस यूक्रेन के हालातों का फायदा टेक कंपनियां लेने जा रही है। यूक्रेन युद्ध ने टेक दिग्गजों की शक्ति परीक्षण को भी सामने कर दिया। रूस के खिलाफ एकजुट हुई गूगल, मेटा, एप्पल जैसी कई टेक कंपनियां, छवि सुधारने का यह बेहतर मौका है। वह देखिए, एयर इंडिया को लगा बड़ा झटका। इल्कर ISE ने कंपनी का CEO बनने से इनकार किया, पिछले महीने ही इनकी नियुक्ति की घोषणा हुई थी। आपके लिए एक चेतावनी भरी खबर आ रही है दोस्तों कि ड्रीम गर्ल फोन पर करती थी मीठी मीठी बातें। 11 राज्यों के लोगों को चक्कर में फंसा कर 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की ठगी कर चुका है ये गैंग। दरअसल हमारे देश में कैसे गैंग का खुलासा हुआ है, जो तकरीबन 11 राज्यों में कुंवारे और शादी के इच्छुक लड़के लड़कियों को उनके सपनों का
उनका लाइफ पार्टनर यानी कि ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय दिलाने के नाम से वादा करके बदले में 500 से 1000 रुपए तक रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे और रजिस्ट्रेशन कराने वालों से नाबालिग लड़कियां बातें करती थी। मीठी मीठी बातों में फंसा कर उनसे कभी 5000 तो कभी 10000 मदद के नाम पर लिए जाते हैं। ये गिरोह 2 साल से सक्रिय था और अब तक 11 राज्यों के 1000 से ज्यादा लोगों को चपेट में ले चुका था। 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की ठगी कर चुका है और अब इसका खुलासा हो चुका है। और इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसी किसी भी गिरोह और धोखाधड़ी जालसाजी करने वाले के झांसे में फंसने से पहले आप अच्छी तरह से उनकी पड़ताल जरूर कर लें। अच्छा वही देखिए दोस्तों, उदयपुर में बनेगी 8 सुरंगें। राजस्थान उदयपुर की बात हो रही, रेवाड़ी के रास्ते राजस्थान आएगी बुलेट ट्रेन। साथ ही देखिए गुजरात सरकार पेश करेगी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट और वो भी बिना टैक्स के। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा और 3 मार्च को वित्त मंत्री कानू देसाई गुजरात राज्य का साल 2022-23 का करीब 2.35 लाख करोड़ रुपए का बजट पहली बार पेश करेंगे। देखते हैं बजट में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं होती हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर मीट की खुली बिक्री को ना दे इजाजत, बूचड़ खाने की स्थापना की जाए। त्रिपुरा हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है ताकि मतलब मांस वगैरह खुले में ना दिखे, खुले में ना बिके, उससे लोगों पर गलत असर पड़ता है। देखिए यूक्रेन से लौटे छात्रों से दिल्ली के सरकारी शिक्षक करेंगे मुलाकात, सरकार उनके कल्याण के लिए बड़े कदम उठाएगी। वे देखिए एक काम की बात है, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक और बैंक अकाउंट KYC अपडेट समेत इस महीने आप 7 जरूरी काम जरूर निपटा लें वरना आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे काम है दोस्तों जिनके लास्ट डेट 31 मार्च ही है और इसलिए आपको मार्च में इन काम को निपटा लेना है। कौन कौन से 7 जरूरी काम है, आप अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक कर लें, इनकम टैक्स में छूट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई स्कीम में करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आप कर सकते हैं। देर से या संशोधित ITR फाइल लेट करना है तो भी आप 31 मार्च तक कर सकते हैं। PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि में मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए 31 मार्च लास्ट डेट है। डीमैट और बैंक अकाउंट में KYC अपडेट कर लें, फॉर्म 12B जमा करा लें और स्टॉक्स और इक्विटी फंड से प्रॉफिट बुक भी अपडेट कर लें। तो ये कुछ काम है जो आप कंप्लीट कर लें 31 मार्च से पहले पहले, ठीक है ना, उसके बाद आपको इन कामों को करने का समय ना मिलेगा। अच्छा वही देखिए, व्हाट्सएप ने भारत में बैन किए तकरीबन 18.5 लाख अकाउंट। कंपनी का कहना है कि कानून का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की गई और इसलिए आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के फर्जी और झूठ मूठ के मैसेज खबरें एक दूसरे को ना भेजें। वही देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। बैंकों के नाम कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा साथ ही देखिए, IEA में शामिल देश जारी करेंगे 6 करोड़ बैरल तेल। ब्रेंट क्रूड हुआ $105 के पार और अब ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के समूह में जो 31 सदस्य देश शामिल है वो अपने रणनीतिक भंडार से 6 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल जारी करेंगे और इससे उम्मीद है कि रूस यूक्रेन क्राइसिस का जो मसला चल रहा है उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग स्थिर बनी रहेगी, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को होगा खरबों डॉलर का नुकसान। रूस वार के चलते रूस के भी कई अरब पतियों ने पुतिन की जिद की कीमत चुकाई और रूस के लोगों को $83 अरब का नुकसान हुआ और भारत को भी इसका काफी नुकसान होगा क्योंकि वैसे भी शेयर बाजार वगैरह में भयंकर गिरावट आई चुकी है युद्ध के बाद से ही। अच्छा साथ ही देखिए, सेक्स वर्कर्स को अब बिना एड्रेस प्रूफ के मिलेगा आधार कार्ड। उदय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा इस बात को लेकर कि अब इस तरह के वर्कर्स के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही देखिए, रांची मेले में जगमगाई शाम, मुख्यमंत्री भूपेश ने किया सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन। मध्य प्रदेश में नदी के बीच 33 करोड़ की लागत से पुल तैयार किया गया। वह देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरज कुंड मेले में किया गया बदलाव, अब 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगेगा मेला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी मंजूरी दी है। कोरोना के कारण 2 साल से मेला नहीं लग पा रहा था लेकिन हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से अब इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से मेले को मंजूरी भी दे दी गई है। वह देखिए, लिव इन गर्लफ्रेंड भी कर सकती है घरेलू हिंसा की शिकायत। रिया पल्लवी, श्वेता तिवारी भी रही है डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार और ऐसी महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, लड़के लड़की जो लिव इन में रह रहे हैं उनके साथ भी अगर किसी तरह की घरेलू हिंसा होती है तो वो कानूनन ये अधिकार रखती हैं कि वो घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं, कोर्ट में जा सकती हैं, है ना। वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए, महिला वर्ल्ड कप 2022 चैंपियन को मिलेंगे 10 करोड़। 8 देशों की टीमें खेलेगी 31 मैच। 6 मार्च को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। अच्छा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक नई पहल देखिए, नया बिजली कनेक्शन चाहिए तो बस मिस्ड कॉल दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने नंबर जारी किया है, ऑनलाइन ही आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, बस आपको एक रिंग करनी है। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 7404040625। इस नंबर पर आपको एक बार मिस्ड कॉल देना है और छत्तीसगढ़ राज्य में अगर आपको कहीं पर भी नया बिजली कनेक्शन चाहिए तो तुरंत आपको कॉल बैक आ जाएगा और आपसे ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करके आपके जिस भी नए प्लॉट घर मकान पर बिजली कनेक्शन चाहिए तुरंत आपको दे दिया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में शरीर की एक और बीमारी का पता चला, कार्डियोफोबिया करके। क्या आपको भी हार्ट अटैक आने का डर सता था? मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक असल में आता नहीं है लेकिन उनके मन में हमेशा डर रहता है, 24/7 उनको ऐसा लगता है कि अरे यार कभी मुझे हार्ट अटैक
अटैक नहीं आ जाए या कभी आया तो नहीं ऐसा है। तो ये एक तरह के मानसिक विकार है, मनोरोग जो है ना, जैसे मनोरोग की बीमारी होती है ना वैसे ही है। इसके लक्षण और इलाज क्या है? ये कार्डियोफोबिया एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें असल में हार्ट अटैक आता नहीं है, बस मन में ये डर रहता है कि यार मुझे हार्ट अटैक आ नहीं जाए कहीं, और इस डर के चलते व्यक्ति का किसी काम में मन भी नहीं लगता है। इस फोबिया से पीड़ित व्यक्ति के दिल की धड़कन भी अनियमित होने लगती है, और कई जगहों पर कई केसेस में ऐसा भी देखा गया कि इस डर की वजह से वाकई में हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसके क्या लक्षण है और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं, आपको साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट होने पर आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।